नमस्कार, आज मैं बनाऊंगी झिंगनी की सब्जी और वो भी सरसों के मसाले में। झिंगनी की सब्जी सरसों के मसाले में बहुत ही अच्छी लगती है, तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। झिंगनी की सब्जी बनाने के लिए मैंने इस तरह से झिंगनी को अच्छे से धोकर उसे छिल लिया है और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। झिंगनी आप जब भी मार्केट से लीजिए तो कोशिश कीजिए मीडियम साइज़ का ही लेने का, क्योंकि बड़े साइज़ वाले में थोड़े बिल्स भी रहते हैं तो थोड़ा सा उस उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब छोटे चम्मच सरसों लिए हैं, लहसुन लिए हुए छिले हुए और 2 सूखी मिर्च लिया है। इसका मैं फाइन सा एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। सरसों और लहसुन का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। कढ़ाई में करीब 1 चम्मच के करीब मैं सरसों का तेल लूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी मेथी के दाने और सूखी हुई मिर्च, पीसी हुई लहसुन और सरसों का पेस्ट। इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्च हम ऑलरेडी मसालों में पीस चुके हैं तो वो हम नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप उसमें मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब मसालों को ढककर सीम आंच पे भून लेनी है। मसालों को अच्छे से ढककर पका लेनी है। मसाले हमें सीम आंच पे ही पकानी है। मसाले पक चुके हैं। अब इसी कढ़ाई में मैं 1 चम्मच के करीब तेल डालूंगी और इसमें झिंगनी को भून, झिंगनी को मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से भून लूंगी इस तरह से, और थोड़ी देर के लिए इसे भी ढक लेनी है। झिंगनी पानी छोड़ने लगा है, अब इसी समय हम इसमें मसाले डाल देंगे जो हमने भुने थे और साथ ही साथ नमक ऐड कर देंगे। ये देखिए झिंगनी से काफ़ी पानी आ चुका है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। अब इसे ढक के अच्छे से 5 से 10 मिनट के करीब पका लें। सब्जी करीब करीब बन चुकी है। झिंगनी को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इसे अच्छे से पका लेना है। सब्जी बन चुकी है, इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इसे सर्व कर लेंगे। ये चावल के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।